नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। और जो भी लोग बीएड किए उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। खबर इसलिए नहीं कि वैकेंसी आने वाली है, खबर इसलिए कि एनसीटी से मान्यता प्राप्त अगर यूनिवर्सिटी से आपने बीएड नहीं किया तो आप बहुत चिंता में होंगे, लेकिन आपके लिए ये खबर बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने पार्लियामेंट में बीएड के लिए एनसीटी संशोधन विधेयक पारित कर दिया। पारित होने के बाद जो भी छात्र छात्राएं बीएड ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से करके बैठे हैं जिन्हें एनसीटी की मान्यता नहीं मिली थी, तो अब वो खुश हो जाइए, क्योंकि आज की तारीख तक में जिन लोगों ने ऐसी यूनिवर्सिटी से बीएड की डिग्री हासिल कर ली थी उन्हें माफ कर दिया गया है। यानी कि उन्हें मान लिया जाएगा कि एनसीटी की डिग्री है, यानी कि कोई यूनिवर्सिटी सिर्फ यूजीसी नेट से संबद्धता प्राप्त होने के बाद अगर बीएड के कोर्स करवा रहे थे तो अब वैसे लोग चिंतित थे क्योंकि जब वैकेंसी निकलती है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि बीएड की डिग्री के लिए एनसीटीई की मान्यता होनी चाहिए। और आज ये जब आदेश आया और ये बिल पास हुआ तब लोगों को काफी राहत हुई होगी। 20 नई यूनिवर्सिटी को केंद्र सरकार ने इसके लिए मान्यता दे दिया है। और हमारा आज का प्रश्न है कि क्या इसकी मान्यता मिलने से छात्र छात्राओं को लाभ होगा, या एनसीटीई से संबद्धता जिन लोगों ने बीएड करके रखा था, जिन लोग बैठे हुए थे, क्या उनको नुकसान है, क्या अब कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा, या फिर जो लोग बीएड किए हैं जो एनसीटी कॉलेज नहीं था उसके बावजूद भी बीएड किए उन्हें मान्यता मिल जाने के बाद क्या ये सही कदम है सरकार का, आपको कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करना है। हम आपको बता दें सरकार ने यह भी कहा है कि अगर अब से कोई व्यक्ति एनसीटी के अलावा किसी अन्य कॉलेज या यूनिवर्सिटी से बीएड करता है तो इसकी जो संबद्धता वाले कॉलेज नहीं होंगे उनकी डिग्री मान्य नहीं की जाएगी। यानी कि जो लोग पहले कर लिए उनके लिए ये सुविधाजनक चीज है, उनको ये सुविधा मिला है और ये मौका है उन छात्र छात्राओं के लिए कि वो सी टेट, जे टेट और बिहार टेट, यूपी टेट परीक्षा को, टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसके लिए तैयारी की भी जरूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा और वीडियो में सटीक विश्लेषण पे जाएंगे और हमको उम्मीद है कि आप अक्सर इसको देखते देखते परीक्षा पास कर जाएंगे। यानी कि टेट पास अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। ये सुनहरा मौका इसलिए है कि टेट का सिलेबस जो आप टीचर ट्रेनिंग करके बैठे हैं उससे संबद्ध होता है। दूसरा, सिर्फ बीएड नहीं बल्कि कोई डीएड किए हैं या एमएड किए हैं और वो एनसीटी कॉलेज नहीं था उसको भी मान्यता मिल चुका है। 20 ऐसे यूनिवर्सिटी को मान्यता दे दी गया है और कहा गया है कि आगे से ये ध्यान रखना होगा। लेकिन हम आपको ये बता दें कि सरकार से ये उम्मीद की जा रही है कि सरकार ने जो मान्यता दिया है इससे माहौल तो बनेगा पढ़ाई का, लेकिन क्या टीचर की वो क्वालिटी हो पाएगी, सोचने वाली आप जरा सोचिएगा जरूर। लेकिन टीचर बनने के बाद आपको बेहतरीन पढ़ाना है क्योंकि आपके ऊपर भविष्य लिखा होता है बच्चों का। टेट परीक्षा पास करने के लिए आपको जनरल नॉलेज के अलावा अपने विषय की जानकारी होनी चाहिए और साथ में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो आप बीएड में कोर्स करते हैं टीचर ट्रेनिंग का, चाइल्ड साइकोलॉजी का, उससे जुड़े हुए भी सवाल आते हैं। तो हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा, जो भी नई खबर होगी और ताजा खबर होगा वो आपसे हम शेयर करेंगे और उस पर सटीक विश्लेषण भी करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।